बेटा आलू जी मम्मी जी। बेटा कचालू जी मम्मी जी। आप दोनों एक साथ कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी हम तो गार्डन में खेलने जा रहे हैं, है ना कचालू भैया? हाँ आलू भैया। तुम दोनों जब भी एक साथ जाते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आते हो। नो मम्मी जी। पिछली बार भी बैंगन मामा आपकी कंप्लेन लेकर आए थे कि तुम दोनों उनकी टोकरी में जाकर सो जाते हो। सॉरी मम्मी जी, वो तो उस दिन हम लोग को नींद आ रही थी। ओके जाओ, बट कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। चलो आलू भैया। चलो कचालू भैया। अरे तुम दोनों फिर से आगे मेरी टोकरी में सोने के लिए, चलो भागो यहाँ से। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन टमाटर की झोपड़ी में चलते हैं। चलो आलू। अरे तुम दोनों किसके बच्चे हो? मेरी झोपड़ी तोड़ दोगे क्या? चलो निकलो यहाँ से। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? टमाटर की झोपड़ी में खेल रहे थे। टमाटर ने लात मारा रो रहे थे। चालू भैया मेरे पास ना एक आइडिया है। जल्दी बताओ ना आलू भैया। अब ना हम गाजर आंटी के बाग में चलते हैं मजे करने। हाय राम, तुम दोनों बच्चे तो मेरे बाग के सारे फूल खराब कर दोगे। चलो भागो यहाँ से। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? गाजर के बाग में नाच रहे। गाजर ने लात मारा रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। कचालू भैया तुम्हें पता है ब्रोकली आंटी का बेड कितना सॉफ्ट है? नहीं पता आलू भैया। तो चलो मेरे साथ। ये कितना मजा आ रहा है। ये ओह माय गॉड, कितने शैतान बच्चे हो तुम। मेरा सारा बेड खराब कर दिया। चलो भागो यहाँ से। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? ब्रोकली के बिस्तर पे कूद रहे थे। ब्रोकली ने लात मारा रो रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। तो देखा बच्चों, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने चाहिए।